हेलो पीपल, वेलकम टू ग्रो अप इन योर लाइफ। तो चलिए आज बनाते हैं मटर पुलाव। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच देखिए घी का लिया है, और जब तक घी मेल्ट होगा तब तक हम जो है क्या करेंगे, एक कप यानी मैंने 240 ग्राम जो है चावल लिए हैं, और इस चावल को धो के रख लेंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, और अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा। जब जीरा थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, और दो साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं, ये सूखी लाल मिर्चें हैं। इसमें मैंने डाली है एक बड़ी इलायची और दो प्याज, इसको मैंने पतला पतला काट लिया है, इसको भी डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर से 2 मिनट आप इसको फ्राई करिए, और जिस कप से हमने चावल लिए हैं उसी कप से मैंने एक कप मटर, जो आजकल हरी मटर आ रही है ये वो वाली मटर है। और अब इसमें डालेंगे चावल, तो जितने चावल थे उससे डबल पानी लेना है। तो ये जो पहले मैंने ये चावल डाल दिए हैं, सारी चीज़ों को आप मिला लीजिए अच्छे से। जब सारी चीज़ें मिल जाएं तो नमक हम डाल देंगे, तो मैंने आधे चम्मच से ज़्यादा नमक लिया है। और इसको भी मिला लेने के बाद जो पानी है, मैंने बताया कि पानी आपको चावल से डबल लेना है। पानी डालने के बाद जो है कुकर बंद कर देना है, और गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है। और जैसे ही एक विसल आएगी, जैसे ही एक विसल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, और इस तरीके से इसका ढक्कन हटा देंगे कि अपने ही आप खुलेगा। ये देखिए खुल गया है। तो चलिए हम चेक करते हैं, देखिए कितना बढ़िया जो है ये मटर पुलाव बना है। और सर्दियों में तो ये बनाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। और अब हम ऊपर से आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दीजिए, इससे ये बहुत टेस्टी बनता है। देखिए हमारा मटर पुलाव एकदम तैयार है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।